हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल मेहर्स वर्ल्ड। फिर से मैं रमज़ान स्पेशल में आ गई आपके पास एक और यूनिक रेसिपी के साथ। चलिए शेयर करती हूँ चिकन टिक्का भुना रोल। जी हाँ, इसके लिए सबसे पहले मैंने चिकन को अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। 400 ग्राम चिकन लिया है। इसमें भी हमें मैरिनेशन प्रोसेस है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। चिकन को अच्छे से पीसेस में बोनलेस चिकन को वॉश कर लेंगे। और इसमें लिया है जिंजर गार्लिक कोरिएंडर चिली पेस्ट 2-3 टेबलस्पून, इसको भी हमें डालना है। बहुत ही अच्छा फ्लेवरफुल ये रेसिपी आपको लगेगी मेरी, और उम्मीद करती हूँ आप इसको लाइक भी करेंगे और ट्राई भी ज़रूर करेंगे। जी हाँ, ट्राई करिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताइए। हंग कर्ड लिया है 2-3 टेबलस्पून। मसलिन क्लोथ में मैंने इसका जो पानी जो होता है कर्ड का, वो अच्छे से मैंने स्क्वीज कर लिया था और उसका पानी एकदम ड्राई करके उसमें डाल दिया। 2-3 टेबलस्पून मैंने लिया है हंग कर्ड। बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसमें, फ्लेवर बहुत अच्छा देता है इसमें। क्यूमिन पाउडर लिया है, रोस्टेड क्यूमिन पाउडर 1 टेबलस्पून, इसको भी मैं डालूँगी। आप 2 टेबलस्पून भी ले सकते हैं। 1 टेबलस्पून कोरिएंडर पाउडर लिया है, ये भी रोस्टेड ही है। आप मार्केट का कोरिएंडर पाउडर भी ले सकते हैं। पिंच ऑफ टर्मरिक लिया है, 1 टीस्पून तकरीबन ले लीजिए आप। उसके बाद मैं डालूँगी इसमें पेपर पाउडर, ये भी रोस्टेड है, 1 टीस्पून पेपर पाउडर। ये सारे मेरे घर के ही मसाले मैंने यूज़ किए हैं, रेडीमेड भी अवेलेबल है, आप यूज़ कर सकते हैं। रेड चिली पाउडर, कश्मीरी पाउडर 1 टेबलस्पून। और गरम मसाला पाउडर, मेरा होममेड गरम मसाला 1 टीस्पून पाउडर मैंने लिया है। ये देखिए, सारे मसाले अच्छे से मिलने तक हमें इसमें वो करना है। और सॉल्ट डाला है अकॉर्डिंग टू द टेस्ट। 1 टीस्पून या 2 टीस्पून आप सॉल्ट डाल सकते हैं, नहीं तो अकॉर्डिंग टू द टेस्ट भी आप डाल दो। और कसूरी मेथी यानी फेनुग्रीक लीव्स 1 टीस्पून डालना है। ऐसे क्रश करके ही डालना है, तो ही इसका जो फ्लेवर है वो चिकन में आएगा। और सारे चीज़ों को अच्छे से चिकन में मिक्स कर लेना है। पिंच ऑफ कलर फूड कलर डालना है, ऑरेंज रेड फूड कलर, इसमें टिक्का का लुक आ जाएगा। और हाफ लेमन में स्क्वीज करूँगी। एक बार फिर से मिला लूँगी। लेमन मैं लास्ट में ही स्क्वीज करती हूँ, अच्छे से मिलाने के बाद उसको कम से कम हाफ एन आवर तक फ्रिज में रख लेना है, रख देना है अच्छे से। ये देखिए, अच्छे से मिलाना है, एकदम अच्छे से ऊपर नीचे अच्छे से मैंने मिला लिया है चिकन को। अब मैं इसको हाफ एन आवर तक रख दूँगी। यहाँ पे इसका प्रोसेस देख लीजिए। डो का मैंने हाफ़ लिया है व्हीट फ्लोर, हाफ़ लिया है ऑल पर्पज फ्लोर, मतलब टोटल 2 बाउल है। देखिए, इसमें सॉल्ट अकॉर्डिंग टू द टेस्ट डालूँगी। हमें रोटी और पराठे के जैसा आटा डो लगाना है। इसमें मिक्स कर लिया है मैंने सॉल्ट। अभी थोड़ा सा इसमें भी मैं 2-3 टेबलस्पून कर्ड डालूँगी, नॉर्मल कर्ड जो है कर्ड वो हम डाल देंगे। इससे क्या है, हमारा जो आटा है वो एकदम नरम रहेगा, सॉफ्ट रहेगा। इसको मिला लूँगी आटे में, कर्ड को अच्छे से इस तरह से।
पहले अच्छे से मिलाना है, उसके बाद ही हमें पानी का यूज़ करना है। एकदम नरम आटा गूंदना है, जो रोटी और पराठे के लिए हम गूंदते हैं उस तरह। बस अभी आहिस्ता आहिस्ता, ये देखिए मैंने आटा गूंद लिया है, देखिए एकदम सॉफ्ट। मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है, अभी उसको भी अच्छे से डो में ग्रीस कर लूँगी। ये देखिए इस तरह से आटा होना चाहिए सॉफ्ट। थोड़ी देर आटे को सेट करने रख दूँगी, ऊपर थोड़ा सा तेल मैं उसमें स्प्रिंकल करूँगी। यहाँ पे हमें स्टफिंग तैयार करनी है टिक्का की। 1 टेबलस्पून ऑयल लिया है, आप बटर भी ले सकते हैं, बटर ऑयल दोनों साथ में भी ले सकते हैं, जैसा आपको सही लगे वैसा। मैंने सिर्फ ऑयल लिया है, एक एक करके मेरा मैरिनेट किया हुआ चिकन डाल दूँगी इसमें और उसको हाई फ्लेम पे सबसे पहले पकाऊंगी। देखिए अच्छे से हमें उसको स्टेयर करते हुए हाई फ्लेम पे ही पकाना है अच्छे से। ये देखिए एकदम पानी इसका एकदम पानी ड्राई हो गया है, चिकन ने खुद ही अपना पानी रिलीज़ किया था, मैंने अच्छे से ड्राई कर लिया है देखिए, और इसको निकाल लिया है ठंडा करने के लिए। ये देखिए हमारी स्टफिंग रेडी हो गई। इसमें मैं 2 मीडियम साइज चॉप्ड ऑनियन डालूंगी, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा हमारे रोल में, और कोरिएंडर कट करके डालूंगी तकरीबन 1 टेबलस्पून ले लीजिए आप, अपने हिसाब से भी आप ले सकते कोरिएंडर। एक बार फिर से मिक्स कर लूंगी अच्छे से। आपको अगर इसमें ऊपर से लेमन जूस डालना है आप डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाला है, मैंने हाफ लेमन ऑलरेडी डाला था मैरिनेशन। और मैंने फ्राइड ऑमलेट लिए है रोल के लिए, ये ऑप्शनल है आपको लेना है लो नहीं। इसको हमें अच्छे से रोटी की तरह एक डो ले लिया है, अब मैं रोटी और पराठे की तरह गोल बेलूंगी। देखिए आपको बताती हूँ, ये देखिए इस तरह से। आप थोड़ी साइज़ छोटी भी रख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा मोटा नहीं होना चाहिए, साइज़ थोड़ी मीडियम ही रखिए रोटी या पराठे की। ऐसा एक ऑमलेट रखना है इसके ऊपर, ऑप्शनल है, आपको नहीं रखना आप स्किप कर दो। कुछ लोग ऑमलेट डालना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन मैं एक आपको ऑमलेट वाला बता रही हूँ। इस तरह से हमें हमारी स्टफिंग रखनी है इस तरह से, देखिए बहुत ही अच्छा टेस्ट, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है और बहुत खाने में बहुत यमी लगता है। देखिए इस तरह से रखेंगे हम हमारी स्टफिंग से। फिर मैंने लिया है स्लाइस चीज़ क्राफ्ट की, ये भी ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है आप स्किप कर दो, आप चीज़ मत डालो। इस तरह से हमें रखना है स्लाइस चीज़ें। अब सबसे पहले हम इसके साइड्स को इस तरह से फोल्ड कर देंगे और दबा देंगे, देखिए इस तरह से, और इसको अच्छे से रोल करेंगे, देखिए ऐसे ऐसा करके रोल करेंगे। खुलेगी नहीं, हमारा रोल खुले नहीं। पानी की अगर आपको ज़रूरत है तो आप लगाओ, मुझे ज़रूरत नहीं महसूस हो रही तो मैं नहीं लगा रही हूँ। देखिए इस तरह से ऑलरेडी उसमें चिपक गया है रोल हमारे, देखिए ऐसा बनाना है, इसी तरह से सभी रोल हमें बनाना है। देखिए मैंने सब का तकरीबन 7 रोल बने हैं हमारे उतने आटे में, और स्टफिंग भी पूरी मेरी उतने में ही लग गई।
तेल हमें मैंने हीट कर लिया है मीडियम फ्लेम पे। अब एक एक करके रोल डालूंगी। सबसे पहला रोल डाल रही हूँ, देखिए साइड को पलट पलट के इसको सेकूंगी ऐसे ब्राउन करके। अब रोल निकालूंगी, ऑब्जर्वेंट पेपर पे निकाल लूँगी ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। ये देखिए मेरे रोल सर्विंग के लिए तैयार है। देखें कैसा लग रहा है, बहुत ही अच्छे माउथ वाटरिंग लग रहे हैं ना। टेम्पटिंग आया आपके माउथ में। देखिए अब मैं एक आपको काट के बता दूँ, देखिए कितना अमेजिंग लग रहा है ये देखिए। और थोड़ा क्रिस्पीनेस भी है, ये देखिए, ये देखिए मेरे रोल। देखिए ये जो है वाइट है वो चीज़ है और एग है, ऑमलेट है। देखिए कैसा लग रहा है। तो ट्राई ज़रूर कीजिए मेरी रेसिपी और कमेंट करके बताइए। और हाँ फ्रेंड्स और फैमिली में लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जल्द आऊँगी नई रेसिपी के साथ। बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। आपका मोटिवेशन ही मेरा इंस्पिरेशन है। फॉर वॉचिंग, बाय बाय।